Shub is a very sensitive film, mostly डीलिंग विथ रिलेशनशिप्स. बहुत ही जिस तरीके के देखिए रिलेशनशिप्स होते हैं वो कभी साधारण नहीं होते, सिंपल नहीं होते. दे ऑलवेज वेरी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. चाहे वो किसी के साथ भी हो, आपके फ्रेंड्स हों, स्पाउजेज हों या फैमिली हो. तो ये फिल्म एक ऑन्सॉम्बल कास्ट के साथ बनाई गई है, एंड ज़्यादातर इट टॉक्स अबाउट एवरी वंस रिलेशनशिप्स एंड हाउ सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुली सेंसिटिव फिल्म, एंड मैं समझती हूँ कि जब लोग जाके देखेंगे तो हर किसी कैरेक्टर के साथ कोई ना कोई तो ज़रूर आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ यार, ये तो मेरी लाइफ के साथ भी होता है. तो इट्स इट इट जनरली टॉक्स अबाउट दैट. मैं फिल्म के बारे में कहना चाहूँगा कि जब मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो पहले तो मैंने बहुत कनेक्ट किया, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की लाइफ ऐसी देखी है जो इस तरह से चलती है और छोटे शहर से आते हैं बड़े शहर में अपने सपने पूरे करने के, मतलब कुछ अलग बनने की कोशिश करते हैं. तो लाइफ में, हर एक की लाइफ में कभी सही गलत कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जब आप फिल्म देखोगे आपको समझ में आएगा कि आप कितना कनेक्ट करते हो उस फिल्म से. किस तरीके के किरदार में हैं आप इस फिल्म में? एक एक लड़का है जो छोटे शहर से आता है, छोटे गांव से आता है एक बड़े शहर में अपने सपनों को पूरा करने के लिए, एक मॉडल बनने के लिए. फिर वो जो एक होता है ना अंदर से, एक मतलब आगे पहुंचने की एक जो अपने आप से लड़ाई होती है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, तो वो कैसे इंसान अपने आप को वो चेंज करना नहीं चाहता है, लेकिन कभी सोचता है मैं शायद कर देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है. फिर वो समझ में आता है क्या गलत है क्या सही है. तो जो फाइट होती है अपने आप से स्ट्रगल के बीच में, उसकी कहानी है. और वैसे सारे किरदार वैसे ही हैं कि हर एक किरदार की अपने आप से एक फाइट है. की ऑप्शन ट्रेलर देखा, काफी एक अलग अवतार में नजर आ रही है वो, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए आप, फिल्म में किस तरीके के किरदार में नजर आने वाली है? वेल, मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं अलग तरीके के किरदार निभाऊँ, और मात्र के बाद ये थोड़ी एक ग्लैमरस अवतार में आप देखेंगे मुझे, और थोड़े शेड्स ऑफ ग्रे हैं. बट यही चीज़ है जो मुझे एक्साइट करती है. मैं अलग तरीके की चीज़ें करना चाहती हूँ जो मुझे एक्साइट करे, जो मुझे चैलेंज करे एज एन एक्टर कि मैंने ये पहले नहीं किया है, चलो अब ये कोशिश करते हैं. सो इट मेक्स इट एक्साइटिंग फॉर मी. आई होप आई एम सक्सेसफुल इन डूइंग दिस, एंड आई होप लोगों को पसंद आए. अब तक लोगों ने मुझे सपोर्ट ही किया है, हर किरदार में एक्सेप्ट किया है, एंड उसकी वजह से मैं हिम्मत जुटाती हूँ कि मैं और अलग अलग चीज़ें ट्राई करूँ. ओके, जैसे कि फिल्म में काफ़ी न्यू एक्टर हैं, तो उनके साथ में काम करने का आपका कैसा एक्सपीरियंस था? आई थिंक बहुत ही बढ़िया रहा है, बहुत ही एक कंफर्ट जोन रहता होता है. मोस्टली जितने न्यू कमर्स होते हैं वो बहुत अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं. ऑनेस्टली आप आशीष को ही देख लीजिए, सच अ सिंपल डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ अ रियल पर्सन. तो एक कंफर्ट लेवल ऑटोमेटिकली हो जाता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो क्वाइट वेरी रियल एज फार एज माई रिलेशनशिप्स और माई फ्रेंडशिप्स आर कंसर्न. तो इट आई कॉन्ट टेक फेक पीपल, आई कॉन्ट हैंडल फेक पीपल. मैं आई डोंट नो वॉट टू टॉक टू दैम आफ्टर अ वाइल. बट जिस तरीके से अर्पिता है, जिस तरीके से आशीष है, सिमोन था फिल्म में, ही इज़ इन फ्रांस नाउ, बट दे वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी नॉर्मल पीपल. अर्पिता के साथ मैं ऑलरेडी पहले एक फिल्म कर चुकी हूँ, बंगला फिल्म इन इन कोलकाता, तो उसको भी मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी. अपना ऑनिर हैं जो हमारे डायरेक्टर हैं, बहुत पुराने मित्र हैं, संजय सूरी. तो एक ऐसे था जैसे हम लोग पिकनिक कर रहे हैं रोज़ सुबह बैठ के, आराम से गप्पे मार रहे हैं, एंड वी नो कि कोई फेक नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि कोई हमारे पीठ पीछे जाके छुरा मार देगा या कुछ ऐसे. इट वॉज अ वेरी रिलैक्सड एंड फन एटमोसफेयर टू वर्क विद. मैसेज मिलेगा लोगों को ये फिल्म देखने के बाद में, जिसमें कि एक एक्टर की लाइन दिखाई गई है किस तरीके से, वो छोटी सिटी से आता है एक एक्टर, जैसे कि ट्रेलर में देखा, तो लोग कुछ जो है उनको कुछ इंस्पिरेशन या कुछ देखिए, देखने को मिलेगा? मैं बहुत मैसेज वाली पिक्चरें कर चुकी हूँ, अब टाइम आया कुछ ऐसी पिक्चरें करनी है जो मुझे मैसेज नहीं देना है. तो इट्स हर पिक्चर में मैसेज नहीं होता, लेकिन समझना पिक्चर को बहुत ज़रूरी है. आप शब्द देखेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये रिश्तों के बारे में है फिल्म, एंड हर फिल्म में, हर रिश्ते में एक मैसेज नहीं होता, सोशल मैसेज नहीं होता. आपका रिश्ता किसी के साथ भी हो सकता है, यूनिक हो सकता है, अलग हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. तो हर चीज़ में अगर आप मैसेज डालने की कोशिश करो तो जो एक्चुअल आप दिखाना चाहते हो शायद आप कभी नहीं दिखा पाओगे. तो शब एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ वहाँ बैठ के समझने की ज़रूरत है, एंड आप आइडेंटिफाई ज़रूर करोगे विथ योर लाइफ इट्सेल्फ.
ओके जाना चाहूंगा, मतलब इस फिल्म को चुनने की कोई खास वजह जो आपको सबसे ज्यादा बेटर लगी हो इसकी स्क्रिप्ट या? स्क्रिप्ट तो जैसे मैं ऑनर को कह रही थी कि मैंने अब तक नहीं पढ़ी है, ऑनर के ऊपर मेरा ब्लाइंड फेथ है, बहुत पुराने मित्र हैं मेरे, बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी, तो ऐसी कोई मैंने बहुत पहले सुनी भी थी ये फिल्म की स्क्रिप्ट, हम बनाने भी लगे थे लेकिन उस समय मेरी शादी हुई थी एंड आई हैड गॉट प्रेग्नेंट विथ माई चिल्ड्रन, तो तब हमने कहा यार अब तो ये नहीं कर पाऊँगी अल्ट्रा ग्लैमरस टाइप ऑफ रोल ये वो, तो थोड़े टाइम के बाद करेंगे एंड समय निकलता गया एंड देन फाइनली जब ऑनर और मैं एक बार वापस मिले हमने कहा चलो यार शब बनाते हैं एंड वी गॉट राउंड टू मेकिंग इट, सो दैट इज़ हाउ इट केम अबाउट। शब का मतलब है द नाइट, द ड्यूई नाइट, इट्स वेरी रेलिवेंट फिल्म के लिए क्योंकि मोस्टली जैसे यू नो एक अगर हम शहर को पकड़े तो जो उसकी नाइट लाइफ होती है कि दिन में लोग कुछ और नज़र आते हैं और रात को कुछ और नज़र आते हैं, यू नो द चेंज ओवर, सो आई फील इट्स वेरी रेलिवेंट टू ईच कैरेक्टर इन द फिल्म। कब रिलीज हुई है फिल्म, कब आ रही है? 30 जून, 30 जून को। प्लीज़ देखिएगा ये फिल्म, जैसे कि मैंने कहा ये बहुत सिंपली बनाई गई है लेकिन मेहनत ज़रूर की है, जैसे बता रहा था किस तरीके से मेहनत, बेचारे ने इतने दिनों से खाया नहीं है टोटली, लेकिन हाँ ज़रूर मेहनत जाती है हर फिल्म के पीछे और ये एक बहुत सेंसिटिव सी प्यारी सी फिल्म ऑनर ने बनाई है, इट डील्स विद रिलेशनशिप्स, तो जैसे कि मैंने कहा कि मोस्टली एवरीवन विल आइडेंटिफाई एट सम पॉइंट विद सम कैरेक्टर इन दिस फिल्म, गो एंड एंजॉय इट, गो एंजॉय शाह। मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग जाओ ये फिल्म देखो और इस फिल्म से आप कनेक्ट करोगे, आपको आपको ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ हमारे आसपास हम अब देखते हैं लेकिन कभी हम गौर नहीं करते इन चीज़ों पे, क्योंकि क्या होता है बहुत चीज़ें होती हैं हमारे आसपास चल रही होती हैं लेकिन हम इग्नोर करते हुए आगे निकल जाते हैं। करेक्ट, या तो वेल सेड, थैंक यू, थैंक यू सो मच।